फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और जो भी मैंने बुक फॉलो किया था, एक एक बुक के बारे में मैं आपको अभी नाम बताने वाला हूं, हेल्पफुल साबित हुआ था। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, या जो भी आपको बुक अच्छा लगे वो भी फॉलो कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ CBT 1 के लिए जो बुक मैंने फॉलो किया था वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जो भी LP एस्पिरेंट हो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके भाई के चैनल को जल्दी 1K पहुँचाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो LP का तैयारी को फोकस किया था सबसे पहले, और मेरा मेन एम LPA था, तो इसके रिलेटेड ही मैं बुक को फॉलो किया था। और उस समय वैकेंसी भी आ गई, तो मैं बुक को कुछ बुक को मैं पहले से फॉलो कर रहा था। तो सबसे पहले मैं RS अग्रवाल से मैथ बनाता था। मैथ के बारे में बताने वाला हूँ अभी। तो मैथ में आप RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिक अच्छा से दिया हुआ है, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा जीरो लेवल से कोई भी टॉपिक को टच करेंगे। तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने होगा इस बुक को फॉलो करने से। मैंने तो ये बुक फॉलो किया था और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल को। और दूसरा बुक का नाम मैं बताने वाला हूँ। दूसरा बुक मैंने फॉलो किया था सागिर अहमद का। सागिर अहमद में कुछ शॉर्ट ट्रिक है, उसको मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मैं सारा डिपेंडेंट नहीं था उस बुक में। उसमें कुछ ट्रिक को फॉलो किया था, क्योंकि ट्रिक आपको पता रहना चाहिए। एग्जाम में टाइम कम लगता है क्वेश्चन बनाने में, अगर ट्रिक आपको समझ में आ गया है उस क्वेश्चन का तो। और थर्ड बुक को मैंने फॉलो किया था, उसका नाम था SPD का मैथमेटिक्स बुक आता है, और इसमें बहुत सारे अच्छे शॉर्ट ट्रिक दिए हुए हैं, जैसे बोटनी स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा उसमें समझाया गया है। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। ये 3-4 बुक मैंने फॉलो किया था, और उसके बाद मैं ऑनलाइन स्टडी के हेल्प के थ्रू भी मैं फॉलो करता था अदर चैनल को। तो बहुत सारे चैनल को मैंने फॉलो किया था, वाईफाई स्टडी है, फिर आपको बहुत सारे यूट्यूब में अवेलेबल है चैनल। तो आप कोई भी चैनल आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और ऑनलाइन स्टडी के साथ आप कुछ भी डेली अगर पढ़ेंगे तो एक सेट ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो मैंने टेक्स्ट बुक से सेट लगाया था बहुत सारा, उसी को फॉलो करता था टेक्स्ट बुक को टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप इतने सारे मैं फॉलो कर लेता था, और डेली मैं प्रैक्टिस करता था, हर एक टॉपिक को रोज़ प्रैक्टिस करता था। जो मुझे हार्ड लगता था वो मैं पहले बनाता था। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वैकेंसी फ्यूचर में आएगी तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको 100% है कि आपका रिजल्ट कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे बुक बहुत ही अच्छे हैं। और आपको अगर इनके अलावा भी अगर कुछ बुक अच्छा लगे तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे बुक है मार्केट में अवेलेबल, कोई भी बुक ले सकते हैं। और आपका प्रैक्टिस जरूर करिएगा रोज़, ये नहीं कि बुक लेकर के रख दें। आप डेली प्रैक्टिस करिए और पूरा फोकस होकर के तैयारी करिए कि बस LP का वैकेंसी आए और आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाए कि बस अब वैकेंसी में निकालना है, मुझे एक सीट लेना है। तो ये हो गया मैथ के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया अभी। कि रीजनिंग में मैंने कौन कौन सा बुक फॉलो किया था, तो रीजनिंग में मैंने बुक फॉलो किया था आपका आर्यन पब्लिकेशन का, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। और भी कोई अदर राइटर है आपको जो भी अच्छा लगे रीजनिंग, तो सारे बुक अच्छे रहते हैं, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप ये देखिएगा कि उसमें हर टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहे, ताकि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। तो आप ये देखिएगा मेनली बुक में कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए रहे हर टॉपिक का, तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा उस बुक से। तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको डेली 1 घंटा टाइम देना है। और बुक मैंने बता दिया कि आर्यन पब्लिकेशन का मैंने फॉलो किया था, तो आप खरीद सकते हैं मार्केट में। फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जनरल साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CBT 1 के लिए, इसमें कौन कौन से मैंने बुक फॉलो किया था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप NCERT का बुक को अभी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, और वैकेंसी जब आएंगे तो उससे पहले आपका NCERT बुक में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस में मेन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही
आपको क्लियर करना है ताकि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो और आप उस बेसिस पे बहुत सारे बुक को फिर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि लूसेन पब्लिकेशन का बुक को फॉलो कर सकते हैं। जनरल साइंस का एक ऑब्जेक्टिव आता है और एक सब्जेक्टिव आता है, तो आप सब्जेक्टिव को पहले पढ़ लीजिए। कोई भी टॉपिक जैसे आप लाइट पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, लूसेन पब्लिकेशन का आता है। और उसके बाद आप ये सारे बुक फॉलो कर सकते हैं। फिर स्पीडी का जनरल साइंस बुक आता है, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक बना के दिया रहता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इतने सारे बुक को फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, तो आपको जो भी चैनल अच्छा लगता हो वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने वाईफाई स्टडी को ही मेनली प्रीफर किया था उस समय, क्योंकि उस समय काफ़ी अच्छा मतलब तैयारी करवा रहे थे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी है जिसमें सेट प्रैक्टिस करने के लिए वही टेस्ट बुक को फॉलो करता था मैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारा टेस्ट बुक आपको अगर फ्री में कुछ सेट प्रैक्टिस करने देता है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करूँ, और मुझे बहुत सारा ऐप में इंस्टॉल करता था तो फ्री में मुझे सेट मिल जाते थे, एक एक दो दो सेट, तो बहुत सारा ऐसे में मुझे बेनिफिट हुआ है, मैं बहुत सेट प्रैक्टिस किया था। तो आप इतने सारे कुछ कर सकते हैं जनरल साइंस के लिए, मैं बता दिया आपको। तो करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में, जिसको सामान्य अध्ययन बोला जाता है, तो आप उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे बुक है जैसे लूसेंट, सबसे पहले तो लूसेंट सभी को पता है, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट ही ज़्यादा सब प्रीफर करते हैं। उसके अलावा फिर आपका स्पीडी का आता है, स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं सामान्य अध्ययन। उसके बाद आपका ऑनलाइन आप कोई भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज से मैं उतना पढ़ाई नहीं किया था उतना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए थे हमारे समय में। तो आपको जो सही लगता है, जैसे आप ज़्यादा टाइम इसमें मतलब थोड़ा कम टाइम भी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के समय थोड़ा क्वेश्चन कम पूछे गए थे। लेकिन आप डेली इसको भी मेन सब्जेक्ट लेकर के चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक दो घंटे टाइम दीजिए और पढ़िए, और डेली क्वेश्चन बैंक जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप जब इसको पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक तो उसके रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप सेट प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जनरल नॉलेज के लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट बुक मतलब मैं फॉलो करता था, तो और भी बहुत सारे ऐप है, उसके थ्रू भी आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको अभी बता दिया, तो आप लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि लूसेंट से बहुत आपको आइडिया मिल जाता है, तो उससे आप ज़रूर पढ़िएगा उसको सबसे पहले। करते हैं कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए मैं ये आपका वन ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है, उसको मैं फॉलो किया था, जो कि स्पीडी में पब्लिश होता है, शायद अभी सिक्स मंथ का निकाला जाता है इस बुक में क्वेश्चन बैंक, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप कोशिश करें कि डेली करंट अफेयर का एक नोट आप तैयार करें, जो भी आप पढ़ते हैं या ऑनलाइन कहीं भी देखते हैं या न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको लिख लीजिए, और ताकि आपका जब फाइनल रिवीजन करने का टाइम आएगा तो आपके लिए वो नोट्स आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा, आपका तुरंत आप शॉर्ट रिवीजन कर पाएंगे। तो मैं आपके साथ यही सारा कुछ डिस्कस करना चाहता था, और जो भी भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बुक के बारे में बताइए, तो अभी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, जल्दी से वन के पहुँचाना है, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।